Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So our today's topic is nursing process, as you all have requested the video. So let's start with it. Before starting the video, do like this video, subscribe to my channel, press the bell icon and do leave the lovely comments. Okay, so let's start the video. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है. सो इट इज अ प्रोसेस दैट नर्सेज यूज टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल केयर टू द पेशेंट्स. क्या होता है बेसिकली, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नर्सेज हैं वो बेस्ट पॉसिबल केयर देती हैं पेशेंट्स को. ठीक है, मतलब ये प्रोसेस में स्टेप्स आते हैं हमारे पास, तो इन स्टेप से हम मेक श्योर करते हैं कि हम हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करें और बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करें. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज नर्सिंग प्रोसेस. ठीक है, तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस किस किस कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है, तो इसका शॉर्टकट है हमारे पास एड पाई. डी मीन्स डायग्नोसिस, पी मीन्स प्लानिंग, आई मीन्स इम्प्लीमेंटेशन एंड ई मीन्स इवेल्युएशन. क्या होता है, ए से असेसमेंट, मतलब मेरे पास कोई भी पेशेंट आया तो मेरी फर्स्ट ड्यूटी क्या बनती है कि उसे असेस करना. ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स को असेस करना. फिर डायग्नोसिस, मतलब जो भी मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी उससे, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक डायग्नोसिस तैयार करूंगी. नर्सिंग डायग्नोसिस की बात हो रही है यहाँ पे. फाइनल डायग्नोसिस डॉक्टर्स देते हैं. नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, मैं उसकी एक्चुअल या फिर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को जज करूंगी कि उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या कौन कौन सी हो सकती हैं. ठीक है, तो फिर मैं वो डेटा से ये एक इंटरप्रिटेशन निकालूंगी क्रिटिकल थिंकिंग करके. अब फिर मैं प्लान करूंगी कि मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ. ठीक है, जैसे फॉर सपोज मैंने देखा किसी पेशेंट का हाई बॉडी टेम्परेचर है, तो मैंने डायग्नोसिस किया कि पेशेंट को क्या है, फीवर है. ठीक है, तो मैं प्लान क्या करूंगी, मैं क्या चीजें इंप्लीमेंट करूं ताकि उसका जो फीवर है वो कम हो जाए. ठीक है, मैं टेपिड स्पॉन्जिंग कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब किया एंटीपायरेटिक्स दे सकती हूँ, मैं कंफर्टेबल पोजीशन दे सकती हूँ, मैं रूम में वेंटिलेशन मेंटेन कर सकती हूँ. तो ये मेरी प्लानिंग है. मैंने प्लान कर लिया, मैंने अपने गोल सेट कर लिए, फिर मैं उनको इम्प्लीमेंट करूंगी कि मैं पेशेंट को क्या है, टेपिड स्पॉन्जिंग दूंगी. ठीक है, मैं एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगी, उसे कंफर्टेबल पोजीशन दूंगी. तो ये चीजें मैंने इम्प्लीमेंट करी हैं. ठीक है, अब फिर जब मैं ये सब चीजें कर दूंगी, फिर मैं इवेलुएट करूंगी कि क्या रिजल्ट आया. जो मैंने उसे इंटरवेंशन दी है, मैंने टेपिड स्पॉन्जिंग करी है, मैंने एंटीबायोटिक्स दी है, क्या उसका फीवर कम हुआ है कि नहीं हुआ. तो फिर ये चीजें मैं क्या करूंगी, इवेलुएट करूंगी. ठीक है, तो कॉम्पोनेंट्स नर्सिंग प्रोसेस बेसिकली 5 स्टेप से मिलकर बने, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. ठीक है, आगे चलते हैं. सबसे पहला है हमारे पास स्टेप असेसमेंट. असेसमेंट क्या, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा. असेसमेंट हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी नर्सिंग प्रोसेस का. मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उससे डेटा कलेक्ट किया, आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको क्या तकलीफें हैं, क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी चीजें मैं पूछूंगी. ठीक है, देन केम ऑर्गेनाइजेशन. अब जो मैंने पेशेंट से डेटा लिया है, मैं उसे ऑर्गेनाइज करूंगी एक फॉर्म में. ऐसे थोड़ी है, एक चीज मैंने वहां लिखी है, एक चीज मैं वहां लिख दूंगी, ऐसे नहीं होता. एक ऑर्गेनाइज वे में मैं उसे अरेंज करूंगी. फिर मैं उसे वैलिडेशन करूंगी कि सच में वो जो बोल रहा है वो सच है या नहीं है, कि ऐसी फेंक रहा है वो. ठीक है, मैं डबल चेक करूंगी कि यस आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कि मेरे से कुछ सुनने में तो नहीं गलती हुई. तो मैं उस डेटा को वैलिड करूंगी. ठीक है, वैलिडेशन दूंगी. एंड देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा. डॉक्यूमेंटेशन मतलब मैं प्रॉपर वे से उसे डॉक्यूमेंट करूंगी. ठीक है, उसके जो चीफ कंप्लेंट्स है वो चीफ कंप्लेंट्स वाले कॉलम में लिखूंगी, बाकी जो वो प्रीवियस मेडिकेशन ले रहा है वो प्रीवियस मेडिकेशन वाले कॉलम में लिखूंगी. तो मतलब एक प्रॉपर तरीके से मैं जो डेटा है मेरा उसे क्या करूंगी, डॉक्यूमेंट करूंगी. ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ असेसमेंट हमारे पास. ठीक है, असेसमेंट हमारी बेसिकली 4 तरह की होती है, नर्सिंग असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट या टाइम लैप्स्ड असेसमेंट. सबसे पहले हम बात करें इनिशियल असेसमेंट की. ये कब करते हैं, जब पेशेंट का एडमिशन हो जाए. पेशेंट का क्या हो जाए, एडमिशन हो जाए, उसके बाद में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट. जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आया, एक पेशेंट एडमिट हुआ है, अब मैं उसके पास जाऊंगी, एडमिशन उसका हो गया, अब मैं उससे बेसलाइन डेटा कलेक्ट करूंगी, लाइक अब कौन सी मेडिकेशन खाते हो, आपको किससे एलर्जी है, ये सारी चीजें पूछूंगी. तो ये होगी इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट. शुरुआती तौर पे जो मैं असेस कर रही हूँ उस पेशेंट में, वो हो गया इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट. देन केम प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट. जो प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट है वो है, नाम से पता लग रहा है, इट इज ओनली फोकसिंग टुवर्ड्स अ सिंगल प्रॉब्लम एट अ टाइम.
मैं मेरे को पता है इस पेशेंट को फीवर है, ठीक है, तो फीवर है पेशेंट को, तो मैं उसका क्या करूंगी, आवरली उसके वाइटल चेक करूंगी या 30 मिनट्स बाद उसके वाइटल्स चेक करूंगी। तो मेरा एक प्रॉब्लम फोकस है, मैं वाइटल्स क्यों चेक कर रही हूँ, मैं इसलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि पेशेंट को फीवर था। तो दैट मीन्स इट इज अ प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट नाम से पता लग रहा है कि हम इमरजेंसी कंडीशंस में इनका यूज करेंगे। कब करेंगे? इमरजेंसी कंडीशन में इनका यूज करेंगे। अब मेरे पास कोई पेशेंट आया, बहुत ही ज्यादा वो क्रिटिकल था, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो मैं क्या करूंगी, इनिशियल तौर पे उसका एबीसी चेक करूंगी, ठीक है। एबीसी क्या होता है? एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये चीजें चेक करते हैं। तो ये इमरजेंसी असेसमेंट के अंडर आ गया कि मैं इमरजेंसी के टाइम पर क्या चीज वो असेस कर रही हूँ, ठीक है। फिर आता है टाइम, टाइम लैप्स का मतलब होता है टाइम गैप। तो दैट मीन्स जब हमने इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट करी उसके कुछ महीनों बाद या कुछ काफी दिनों बाद मैं जो असेसमेंट करूंगी वो कहलाएगी टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। टाइम लैप्स्ड असेसमेंट हम बेसिकली क्यों करते हैं? कंपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए? कंपेयर करने के लिए, ठीक है। मैं कंपेरिजन बनाना चाहती हूँ कि पहले जब मेरे पास पेशेंट आया था, फॉर सपोज मेरे पास पेशेंट जून में आया, तो जून में जब मेरे पास पेशेंट आया था तो उसकी क्या कंडीशन थी, ठीक है, और अब आ गया है अगस्त या सितंबर, तो अब पेशेंट की क्या हालत है, तो मैं कंपैरिजन करूंगी उसके डेटा के बीच में, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। तो हमने चार तरह की असेसमेंट पढ़ी, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि असेसमेंट क्या होता है या असेसमेंट के टाइप्स क्या हैं। अब हमने पढ़ा था पीछे कि असेसमेंट क्या है, सिस्टमैटिक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा डेटा को कलेक्ट करना, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करना, फिर डेटा को वैलिडेट करना और फिर डेटा को डॉक्यूमेंट करना। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। तो डेटा को कलेक्ट, हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, एक होता है हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है? बेसिकली डिस्क्राइब्ड बाय पेशेंट या फैमिली मेंबर, जो वो मुंह से बताएंगे। पेशेंट मुझे बता रहा है कि मेरे को 2 दिन से वॉमिटिंग आ रही है, मेरे को 2 दिन से टेम्परेचर बॉडी में हाई है, तो ये मेरे को पेशेंट ने बताया, ठीक है, या फैमिली मेंबर ने बताया कि इसको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी रहती है। तो ये सारी चीजें आ गई सब्जेक्टिव डेटा के अंदर, जो वो अपने मुंह से बता रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा इज बेसिकली दैट वी नोटिस, जो हम देखेंगे, जो मैं उसमें नोटिस करूंगी कि यस इसको वॉमिटिंग आ रही है 2-4 दिन से, और मैंने देखा कि यस ये बहुत पेल लग रहा है, डिहाइड्रेशन के साइंस मुझे इसके अंदर दिख रहे हैं, इसका मुझे वेट लूज दिख रहा है। तो ये चीजें क्या है, मैं उसमें ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो जो चीजें मैं उसमें ऑब्जर्व करूंगी या मैं नोटिस करूंगी वो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर, और सब्जेक्टिव डेटा के अंदर वो चीज जाएंगी जो वो मुझे खुद आएगा कि मुझे ये दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे दो तरह का डेटा हो गया, सब्जेक्टिव डेटा हो गया और ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया। सब्जेक्टिव वो जो मुंह से बता रहे हैं और ऑब्जेक्टिव जो मैं नोटिस कर रही हूँ, ठीक है। फिर है सोर्सेज ऑफ डेटा। अब मुझे डेटा कहाँ कहाँ से मिलेगा, एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स इज ऑलवेज द पेशेंट, जो मेरे पास पेशेंट है, पेशेंट ने जो मुझे बोला वो मेरा प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी सोर्स से लिया हुआ डेटा है, ठीक है। और सेकेंडरी सोर्स आ गया फैमिली मेंबर, कोई उसके रिश्तेदार है या मदर फादर है, वो मुझे बता रहे कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। देन रिपोर्ट्स, जो उसकी रिपोर्ट्स है, मैंने ये टेस्ट करवाए हैं, मैंने CBC करवाया है, मैंने LFT कराया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, और जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कोई हेल्थ रिलेटेड पहले कोई दिक्कत हुई हो तो वो डॉक्यूमेंट्स। तो वहाँ से जो भी मैं डेटा लूँगी वो सेकेंडरी सोर्स में आएगा, और प्राइमरी सोर्स में सिर्फ और सिर्फ जो पेशेंट मुझे बताएगा वो आ जाएगा मेरा प्राइमरी सोर्स का डेटा, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब मेरे पास डेटा आ गया, सब्जेक्टिव सोर्स से आ गया, ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, सब तरह का डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अब बात आई ऑर्गेनाइज करने की उस डेटा को, तो अगर मैं सिस्टमैटिकल फॉर्म में उसे ऑर्गेनाइज करूंगी, जैसे चीफ कंप्लेंट्स हैं वहाँ पे चीफ कंप्लेंट्स लिखूंगी, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में मैं डेटा को लगाऊंगी कि पहले पेशेंट को फॉर सपोज 7 डेज से वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, फिर 3 डेज से उसको फीवर लग रहा है, तो मैं एक सिस्टमैटिकली वे में उस डेटा को ऑर्गेनाइज करूंगी, उसकी लैब रिपोर्ट्स इकट्ठी करूंगी, वो सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज करूंगी डेटा को, ठीक है। फिर मैं वैलिडेशन करूंगी डेटा का।
कि इंफॉर्मेशन को क्या करूंगी, डबल चेक करूं, वेरीफाई करूंगी कि जो वो पेशेंट बोल रहा है इंफॉर्मेशन है वो डेटा ट्रू है या नहीं है. तो ये चीज क्या है, मैं मतलब उस डेटा को वैलिडेशन कर रही हूँ, उसे डबल चेक या क्रॉस चेक कर रही हूँ ताकि मेरे पास जो डेटा हो वो बिल्कुल ठीक हो. ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा. डॉक्यूमेंटेशन है एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करूंगी डेटा को. ठीक है, और जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट करूंगी, जैसे चीफ कंप्लेंट्स की जगह चीफ कंप्लेंट्स लिखी, उसकी प्रीवियस मेडिकेशन की जगह प्रीवियस मेडिकेशन लिखी, उसकी फाइल में मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर दिया डेटा. ठीक है, तो जैसे ही मैं ये सारे स्टेप्स कर लूंगी तो दैट मीन्स मेरा असेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटा. तो असेसमेंट में हमने क्या पढ़ा, पहले डेटा हमने कलेक्ट करा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, देन वी वैलिडेटेड एंड देन वी डॉक्यूमेंटेड. ठीक है, आगे चलते हैं क्या है सेकेंड स्टेप हमारे पास आगे, क्योंकि असेसमेंट कंप्लीट हो गया, एड पाई में से हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, आए हम पे दैट इज डायग्नोसिस, वो भी कौन सा, नर्सिंग डायग्नोसिस. ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस हमारा सेकेंड फेज है प्रोसेस का. एज वी कैन सी हियर इन दिस, नर्सेज यूज देयर क्रिटिकल आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स प्रॉब्लम. क्या है इसमें, क्या होता है, नर्स अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज करेगी, अपना ब्रेन यूज करेगी. ठीक है, और काफी ज्यादा माइंड की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगी. ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करेगी काफी सारा और फिर इंटरप्रेट करेगी कि क्या क्लाइंट की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें क्या है. जैसे अगर हाई टेम्परेचर आ रहा है सो वी कैन क्रिटिकल थिंक इट दैट इट कैन बी फीवर. ठीक है, तो ऐसे क्या करेगी, जो डेटा लिया है उसको, उससे एक रिजल्ट तैयार करने की कोशिश करेगी कि पेशेंट को क्या क्या एक्चुअल या फिर क्या पोटेंशियल फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस में जो कॉमनली यूज करते हैं दैट इज नंदा डायग्नोसिस. नंदा की फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन. तो इसके प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करते हुए क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ नंदा डायग्नोसिस. अब नंदा डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें आती हैं, मेन तीन चीजें आती हैं. ये भी काफी वेराइटी होती है कि आपका किस तरह का नर्सिंग डायग्नोस बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसके सब पार्ट्स होते हैं. तो अगर आप चाहते हो मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर मैं और डिटेल में वीडियो इस पे बना दूंगी. ठीक है, तो नंदा डायग्नोसिस में हमारे पास प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, इटियोलॉजी और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब भी हमारा जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वो इन तीन चीजों को मिलाकर बना है. जैसे कि प्रॉब्लम है दैट इज वी कैन से दैट एक्यूट पेन प्रॉब्लम होगी. ठीक है, और डेफिनेशन भी यही होगी. इटियोलॉजी किस वजह से हो रही है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू वी कैन से दैट रिलेटेड टू इंजरी, कोई इंजरी हुई है उससे क्या है, उसे कॉज क्या हो गया, इंजरी की वजह से उसे एक्यूट पेन हो रहा है. ठीक है, फिर आएगा एज एविडेंस्ड बाय, एज एविडेंस्ड बाय किससे एविडेंस करूंगी, उससे जो डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक, किससे पता चल रहा है कि उसे पेन है. तो एज तो अगर वर्बली पेशेंट ने बोला है कि मेरे को दर्द है, ठीक है, तो उससे मुझे पता लगेगा कि उसको दर्द है. तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म हो गया. तो तीन चीजों से मिलाकर बना है, एक तो प्रॉब्लम हो गई, दूसरा उसकी इटियोलॉजी किस कारण से, और तीसरा उसके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है. तो ऐसे हम कोई भी नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो ये थे हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ नंदा डायग्नोसिस की किन किन चीजों से वो मिलकर बना होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. तो नर्सिंग डायग्नोसिस मेरे पास तैयार हो गया. ठीक है, अब मैं क्या प्लान क्या करूंगी, तो इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. अब मेरे पास चीज पता है मुझे कि उसे दर्द है, तो अब मैं क्या डिसीजन लूंगी उसके लिए, मैं उसे कम करने के लिए क्या कर सकती हूँ. तो इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज प्लान्स विच वी मेक टू रिड्यूस क्लाइंट्स प्रॉब्लम. इसमें क्या आ जाएगा, वो सारे प्लान आ जाएंगे जो कि मैं करूंगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम, क्लाइंट की प्रॉब्लम कम हो. जैसे अभी फिलहाल उसे पेन है, तो मैं क्या स्टेप्स करूंगी जिसकी वजह से उसकी पेन जो है वो कम हो. ठीक है, तो वो आ जाएगा प्लानिंग में हमारे पास आ जाएगा. अब आती है टाइप्स ऑफ प्लानिंग. टाइप्स ऑफ प्लानिंग बेसिकली तीन तरह की है हमारे पास, इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग और डिस्चार्ज प्लानिंग. नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी प्लानिंग है. इनिशियल प्लानिंग मतलब शुरुआती प्लानिंग, आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, जब मैंने उसे इनिशियली असेस कर लिया, अब मैं क्या प्लान करूंगी उसके लिए, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, वो इनिशियल प्लानिंग में आ गया.
ऑनगोइंग प्लानिंग जो पूरी उसकी, जब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट है तब तक, या जब तक पेशेंट मेरे अंडर है तब तक उसका जो भी है वो ऑनगोइंग प्लानिंग में आ जाएगा। और डिस्चार्ज प्लानिंग हो गया, डिस्चार्ज प्लानिंग की उसके डिस्चार्ज की हम तैयारी करा रहे हैं कि हमें हफ्ते बाद इसको डिस्चार्ज देना है, तो वो डिस्चार्ज प्लानिंग में आ गया। ठीक है, तो ये हमारी टाइप्स ऑफ तीन तरह की प्लानिंग होगी, इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग। ठीक है, आगे चलते क्या लिखा है। प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहला आता है सेटिंग प्रायोरिटीज। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है। फॉर सपोज उसे सांस नहीं आ रहा पेशेंट को, ये नहीं है कि पहले आप प्रायोरिटी में उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे, ऐसा नहीं होता। सांस नहीं आ रहा तो देखोगे डिजनिया है, ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है, कंफर्टेबल पोजीशन दोगे, हाई फाउलर पोजीशन दोगे, ठीक है, रूम वेंटिलेटेड रखोगे। तो पहले ये होता है कि पहले आपको उसका एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये तीन चीजें देखनी होती है। पेन भी हमारा प्रायोरिटी में आता है। बाकी जैसी चीजें हैं जैसे कि रिस्क फॉर दिस थिंग, रिस्क फॉर दिस थिंग, या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, या पेशेंट को एंजाइटी है, तो ये हमारे थोड़े लीस्ट प्रायोरिटी पे आते हैं। तो प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है, तभी आप पेशेंट को अच्छी केयर दे पाओगे। ये नहीं है वो मरने को हो रहा है पेशेंट और आप उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हो पहले, और जो काम की चीज है वो कर नहीं रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग में स्टेप होता है कि प्रायोरिटीज हमें सेट करनी होती है। ठीक है, सेकेंड आता है एस्टैब्लिशिंग गोल्स, गोल्स बनाने हैं। गोल्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हो गया जो इमीडिएटली हमें रिजल्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म में जनरली वही गोल्स आते हैं जो कि हमें पेशेंट के लॉन्ग रन में देखने होते हैं, जैसे कि उसकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना, हॉलिस्टिक अप्रोच से उसकी ओवर, हॉलिस्टिक होता है जिसमें सारी अप्रोचेज आ जाती है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज आ जाती हैं, तो वो सारे इन्वॉल्व करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे पेन किलर्स देने हैं, मुझे कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, ठीक है, मुझे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, मुझे डिस्ट्रैक्शन थेरेपीज देनी है, तो ये फिर इंटरवेंशंस में आ गया। तो प्लानिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करी, फिर हमने गोल्स बनाए, और फिर हम नर्सिंग इंटरवेंशन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लानिंग हो गया हमारा, अब हमने सब प्लान कर लिया कि मैंने पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, पेशेंट को एनर्जेसिक्स देने हैं, मैंने पेशेंट को, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन थेरेपीज देनी है, मैंने टीवी दिखाना है, उसे म्यूजिक सुनाना है, या जो उसे पसंद है वो करवाना है। अब बारी है इम्प्लीमेंट करने की, उसे लागू करने की। ठीक है, इट इज बेसिकली डूइंग दोज एक्टिविटी दैट वी प्लान्ड एंड देन डॉक्यूमेंट देन प्रॉपरली। क्या है बेसिकली, जब हमने प्लान कर लिया कि मुझे पेशेंट का ये करना है, अब मैंने क्या है वो उसे इम्प्लीमेंट करना है, अब मैंने रियलिटी में करना है, उसे टीवी लगा के देना है, उसे म्यूजिक चला के देना है, उसे हौसला देना है, उसे दवाई खिलानी है, उसे कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन की बात आ गई। और जब इम्प्लीमेंटेशन करूंगी तो मुझे डॉक्यूमेंट भी करना है कि मैंने पेशेंट को फॉर सपोज 4 बजे एनर्जेसिक दी है, ठीक है, तो मेरे को इस चीज को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी करना है। तो ये आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज में कि उन जो हमने प्लान करी है वो इंटरवेंशंस करेंगे और फिर उन्हें डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, फिर आता है इवैल्यूएशन, दैट इज द लास्ट स्टेप। इवैल्यूएशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच वी इवैल्यूएट क्लाइंट की प्रोग्रेस। अब देखो मैंने डिस्ट्रैक्शन थेरेपीज भी दे दी, मैंने पेशेंट को दवाई भी दे दी, मैंने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन भी दे दी, अब मुझे चेक करना है ना कि उसकी पेन ठीक हुई है कि नहीं, कि करके छोड़ दिया, चल भाई मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया, अब तू ठीक हो ना वो तेरी प्रॉब्लम है, ये नहीं होता। मुझे इवैल्यूएट करना है कि सही में उसको फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। फॉर सपोज पेन स्केल पे अगर उसने मुझे बताया था कि पेन स्केल पे उसकी पेन 8 है, तो अब जब ये सारी चीजें कर लूंगी तब मुझे इसका रिजल्ट इवैल्यूएट करना है, और वो जब पेशेंट बोलेगा कि हाँ अब पेन 4 पे आ गया, 5 पे आ गया, तो मैं उससे अंदाजा लगा सकूंगी कि यस क्लाइंट ने प्रोग्रेस करी है। तो इवैल्यूएशन एक ऐसा फेस है जिसमें जो आप इम्प्लीमेंट करोगे, जो आपने प्लानिंग करी है, अब आप चेक करोगे कि उसकी इफेक्टिवनेस है या नहीं है, वो इफेक्टिव है पेशेंट के लिए कि नहीं है, नहीं तो आप अपने फिर दोबारा से अपना प्लानिंग चेंज करोगे और फिर से दोबारा न्यू इंटरवेंशन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या चेक करते हैं, इफेक्टिवनेस, ई से याद रखना, इफेक्टिवनेस चेक करते हैं इंटरवेंशन की। 4 दे रहा था पेन स्केल पे और करंट स्टेटस पे वो 4 दे रहा है, तो इससे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि यस उसकी पेन क्या है, कम हुई है। तो ये था इवैल्यूएशन प्रोसेस। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, जैसे प्लानिंग में भी हमारे और फर्दर स्टेप्स आते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस भी हमारा काफी डीप है, तो अगर आपको ये टॉपिक्स भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। And do like this video and share with your friends. Thank you.